जय हिंद दोस्तों, गुरुन के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं ललित सिंगोदी आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने कभी कल बायो की स्टडीज में हमने देखा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड को हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। हमने देखा था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। फिर हमने ग्रोथ को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी थी, रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे थे और रिप्रोडक्शन में कौन से एनिमल में किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था मेटाबॉलिज्म, जो कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको हमने स्टडी किया था। इसके बाद हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी रेस्पॉन्स करता है उस रेस्पॉन्स को हमने देखा था। अगली स्लाइड्स में हमने देखा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी बायोडाइवर्सिटी को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि इतनी बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मींस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे पास हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए, उसके नोमेनक्लेचर के लिए हमने ICBN और ICZN को डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्लासिफिकेशन को देखा था कि किस टाइप से प्लांट का हमने क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको टैक्सा में डिवाइड करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे उनको ग्रुपिंग करते हैं। ये प्रोसेस हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन कोई एक वर्गीकरण, कोई एक छोटी सी, एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है। इसमें हमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज को, डिससिमिलैरिटीज को देख के बहुत से स्टेप्स में इसको करते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। यहाँ पे जो जितने भी कैटेगरीज आती हैं या जितने भी टैक्सोन आते हैं या जितने भी स्टेप्स आते हैं उन्हें हम एक रैंक में कह सकते हैं। जैसे हमने देखा था स्पीशीज था, स्पीशीज के बाद जीनस था, जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, इस टाइप से फाइलम, अगर एनिमल है तो वहां फाइलम वर्ड यूज हुआ था, और अगर प्लांट है तो वहां पे डिविजन वर्ड यूज हुआ था। इसी टाइप से हमने देखा था हाईएस्ट जो हायरार्की सिस्टम था उसके अंदर हमारे पास किंगडम था। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, अब इसमें पूरा अरेंजमेंट हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, पूरा अरेंजमेंट हुआ है कि किस टाइप से स्पीशीज से लगाकर हम किंगडम तक आते हैं, स्पीशीज से लगाकर बच्चों हम किंगडम तक आते हैं। इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी वर्गीकरण की इकाइयां हमने देखी, कैटेगरी, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये पूरा वर्गीकरण पदानुक्रम कहलाता है, ठीक है। इसकी पूरी सिक्वेंस होती है, ऐसा नहीं कि हमने पहले स्पीशीज रख दी है और हम सबसे लास्ट में जीनस को रख रहे हैं या हमने फाइलम को सबसे नीचे रख दिया है, ऐसा नहीं होगा। ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सभी क्या है क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड कॉमनली टर्म एज टैक्सोन, उसे हम टैक्सोन और टैक्सा भी कह रहे हैं, राइट। स्पीशीज, स्पीशीज को हम देखेंगे, स्पीशीज को हम हिंदी में कहते हैं जाति, ओके। सो स्पीशीज मीन्स those a group of animals those can reproduce together, yani aapas mein janan kar sakte hain, and them a single and them have a common gene pool, unka ek common gene pool hoga aur wo aapas mein reproduction kar sakte hain, wo ek species hai। aap jo bhi animal yahan dekh rahe hain environment mein ya jo bhi aap plant ko dekh rahe hain wo sab kya hai, ek species ko present kar rahe hain, स्पीशीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जिनमें फंडामेंटल कुछ सिमिलैरिटीज होगी, वो पूरा क्या है स्पीशीज है। दे हैव अ कॉमन जीन पूल, उनका जीन पूल एक कॉमन है, ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस टूगेदर, उनमें आपस में जनन होता है। ह्यूमन बींग बिलोंग टू अ स्पीशीज सेपियंस, हमारा जो स्पीशीज है वो क्या है सेपियंस है, ठीक है, which is grouped in the genus homo, और हमारा जो genus है वो क्या है homo है। so we are, so the biological name of human being is homo sapiens, the scientific name thus the human being is homo sapiens, okay।
द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज होमो सेपियंस. नाउ देयर आर सर्टन एग्जांपल्स. अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. फर्स्ट इज पेंथेरा लियो, लॉयन. ये लॉयन का बायोलॉजिकल नेम है. पेंथेरा इसमें इसकी जीनस है, लियो इसकी स्पीशीज है लॉयन की. ये देखिए. नाउ पेंथेरा टाइग्रिस, दिस इज द टाइगर. पेंथेरा टाइग्रिस. नाउ पेंथेरा पार्डस इज द लेपर्ड. ये आप यहां डायग्राम में देख रहे हैं. सो आपने देखा कि बहुत सारी स्पीशीज है. अभी आपने क्या देखा डियर स्टूडेंट, कि बहुत सारी स्पीशीज है. आप जिस एनिमल को देख रहे हो जिनमें सिमिलरिटीज है, वो एक स्पीशीज को डिनोट कर रहे हैं. मींस सारे टाइगर एक स्पीशीज के हैं, सारे लॉयन एक स्पीशीज के हैं, और सारे जो हैं हमारे पास लेपर्ड, वो सारे के सारे एक स्पीशीज के हैं. सही है? इट मींस बहुत सारी स्पीशीज है, बट उनका एक कंबाइंड जीनस होगा, और इन सब में कंबाइंड जीनस जो है वो है पेंथेरा. आ गया समझ में डियर स्टूडेंट्स? इसी टाइप से हम बात करते हैं, हमारे पास हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से हम इसको समझते हैं. सोलेनम ट्यूब्रोसम पोटेटो, यानी आलू. सोलेनम मेलेंजिना मींस ब्रिंजल बैंगन, और सोलेनम लाइकोपार्सिकॉन ये है टोमेटो. ठीक है? यानी ये तीनों आलू बैंगन और टमाटर, इन तीनों का एक कंबाइंड जीनस है विच इज कॉल्ड सोलेनम. यानी इन तीनों की स्पीशीज तो अलग अलग है. हमारे पास सोलेनम ट्यूब्रोसम यानी आलू है, इसी टाइप से सोलेनम मेलोंजिना बैंगन है, इसी टाइप से सोलेनम लाइकोपार्सिकॉन हमारे पास टोमेटो है. इन तीनों की स्पीशीज काफी सारी है, इन तीनों के ग्रुप से, यानी ये कंबाइंड हम कह सकते हैं कि सारे आलू एक स्पीशीज को डिनोट कर रहे हैं. सारे जो पोटेटो है वो स्पीशीज को रेफर कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि एक स्पीशीज के, बट उनका कंबाइंड जीनस है. तो यहां से हम नेक्स्ट कुछ समझते हैं. ये समझते हैं कि जीनस, यानी जीनस क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट हैव अ सम कैरेक्टर्स आर कॉमन. यानी ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ कैरेक्टर्स क्या हो, कॉमन हो, उनको हम क्या कर देंगे, एक जीनस में काउंट करेंगे. बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जितने भी हैं, टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, अगर स्पीशीज में कुछ कैरेक्टर कॉमन है, स्पीशीज में अगर कुछ कॉमन कैरेक्टर है, तो उन्हें एक सिंगल जीनस में शिफ्ट कर दिया है. जीनस कंप्रेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा. यानी दूसरी जेनेरा के स्पीशीज के कैरेक्टर्स अलग होंगे, और जो हम एक जीनस में स्पीशीज रखते हैं उनके कैरेक्टर अलग होंगे, यानी कुछ सेम होंगे आपस में. ठीक है? जैसे हमने बात किया सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम लाइकोपार्सिकॉन, और सोलेनम जो हमने नेक्स्ट जो ब्रिंजल की देखी थी, ठीक है, मेलोंजिना. इन तीनों को सोलोनेसी में शिफ्ट किया है. ठीक है? क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टर्स जो थे कॉमन थे. और अगर हम बात करें दूसरे टाइप्स के, जैसे हम वीट की बात करें, राइस की बात करें, मेज की बात करें, तो उनको अलग जीनस में शिफ्ट किया. ठीक है? क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि उनके कैरेक्टर इनसे अलग थे. ओके, नाउ वी कैन से दैट जेनराइज अरेंजमेंट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. ठीक है? जीनस में हमने केवल और केवल ग्रुपिंग किसकी की है, जिनके ऐसे स्पीशीज जिनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, कॉमन है. ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स. ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके लिए फायदेमंद भी है. इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अब हम आगे बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पोटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज. अब पोटेटो और ब्रिंजल दोनों अलग अलग स्पीशीज है, बट बोथ बिलोंग्स टू अ जीनस सोलेनम. इनको सोलेनम में रखा गया है. ठीक है? जीनस में. नेक्स्ट इज फैमिली. अब इसी टाइप से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जिनका जीन पूल कॉमन है और जो आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनको हमने स्पीशीज कह दिया. ठीक है? स्पीशीज में कुछ सिमिलरिटीज थी तो उनको जीनस में इंक्लूड कर दिया. अब हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास जीनस है, डिफरेंट हमारे पास जीनस है, उनमें अगर सिमिलरिटीज होगी, हमारे पास डिफरेंट जो है, हमारे पास डिफरेंट जीनस है, अगर उनमें सिमिलरिटीज होगी तो हम किसमें शिफ्ट करेंगे उनको, फैमिली में, कंबाइंड फैमिली में उनको ग्रुपिंग करेंगे.
सो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू अदर जीनस एंड स्पीशीज. ओके, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. यानी इनमें जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं या जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या तो सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं. कुछ सिमिलैरिटीज के बेस पे अगर जीनस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो हम उसको एक फैमिली में शिफ्ट कर देंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म में डिसिमिलैरिटीज हैं तो उनको अलग फैमिली में शिफ्ट करेंगे. इस टाइप से हम हायरार्की क्लासिफिकेशन का करते हैं. नाउ प्लांट स्पीशीज, अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलेनम पिटूनिया धतूरा आर प्लेस्ड इन अ फैमिली सोलेनेसी. अब देखिए स्टूडेंट्स, सोलेनम, जिसमें सोलेनम में हमने तीन स्पीशीज देखी थी, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम लाइकोपार्सिकॉन टमाटर, और इसी टाइप से टोमेटो, और इसी टाइप से ब्रिंजल हमने देखा था सोलेनम मेलोनजेना. तो इन तीनों को हमने सोलेनम में रखा था. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पिटूनिया और धतूरा, इन तीनों में फ्लावर्स आते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ कुछ सिमिलैरिटीज हो गई थी, तो हमने क्या किया कि इन तीनों को सोलेनम पिटूनिया और धतूरा इन तीनों को हमने सोलोनेसी फैमिली में शिफ्ट कर दिया. अब आपने एक वर्ड देखा होगा सोलोनेसी, इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज हैं. इनमें तीन, इनमें कुछ कैरेक्टर कॉमन थे तो हमने इनको एक ही फैमिली में रख दिया सोलोनेसी में. इसी टाइप से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास और भी फैमिली प्रेजेंट है, जैसे लिलिएसी, पोएसी, ब्रेसिक्रेसी, मालवेसी. आपने एक वर्ड देखा होगा इनके पीछे एसी सफिक्स है ना, जैसे सोलोनेसी, लिलिएसी, ब्रेसिक्रेसी, मालवेसी. ये सारी फैमिलीज है जो अब आगे हम इसको स्टडी करेंगे. बायोलॉजी और साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. हम डिस्कस कर रहे हैं कि सोलोनेसी फैमिली के बाद हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे फेलिडी कैट फैमिली. जितनी भी कैट्स होती है उनको हमने किस फैमिली में रखा है, फेलिडी फैमिली में रखा है. एंड कैनिडी बिलोंग्स टू डॉग्स, यानी जो डॉग की जो फैमिली होगी उसको हमने कैनिडी में इंक्लूड किया, यानी डॉग की जो फैमिली होगी वो कैनिडी होगी और कैट्स की फैमिली फेलिडी होगी. डियर स्टूडेंट्स इसी टाइप से हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो अगला जो क्लासिफिकेशन टैक्सॉन है वो है ऑर्डर. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर्स एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली. अब कुछ फैमिलीज में भी कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होंगे. ठीक है, जैसे हो सकता है कि कैनिडी और फेलिडी में कुछ कैरेक्टर्स कॉमन हो सकता है जो कि किसी और फैमिली में नहीं हो. ऐसे कैरेक्टर्स जो कैनिडी और जो फेलिडी और कैनिडी में है बट किसी और में नहीं है, तो इन दोनों को हम किस में शिफ्ट कर देंगे, सेम ऑर्डर में शिफ्ट कर देंगे. यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है. ठीक है, ऑर्डर. द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली. प्लांट फैमिली लाइक कॉलवोनियेसी, सोलोनेसी आर इंक्लूडिंग इन पॉलीमोनियल्स. ये ऑर्डर के पीछे एल्स आता है. ठीक है, तो प्लांट की जो फैमिली है कॉर्नवोनियेसी और सोलोनेसी, इनको पॉलीमोनियल्स में इंक्लूड किया है. ठीक है, इसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखकर. ठीक है, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी. अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स कि जैसे हमारे पास फेलिडी जो थी ये कैट फैमिली थी और कैनिडी जो थी वो डॉग फैमिली थी. अब ये दोनों, इन दोनों फैमिलीज में कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है. ठीक है, इनके जो टीथ हैं वो कैसे हैं, इनके टीथ कैनाइन टीथ हैं जो थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और जॉज इनके पास प्रेजेंट है, तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे कॉमन थे तो इनको क्या कर दिया गया है, कार्निवोरा ऑर्डर में शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, ऑर्डर इनका कौन सा है, कार्निवोरा. यानी हम कह सकते हैं कि फैमिलीज में अगर कुछ कैरेक्टर कंबाइंड है तो हम उन्हें हायर टैक्सॉन ऑर्डर में इंक्लूड कर देंगे, यानी हम एक यूनिक ऑर्डर रखेंगे जिसके अंदर सिमिलर फैमिलीज को हम इंक्लूड कर देंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्लास. ओके, द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. अब अगर कुछ ऑर्डर्स में सिमिलैरिटीज हैं, कुछ ऑर्डर्स में सिमिलैरिटीज हैं तो हम इसे किस में रख देंगे, हम इसे रख देंगे एक सिंगल क्लास में रख देंगे. कुछ ऑर्डर्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, उनमें अगर कुछ सिमिलैरिटीज आ गई तो हम किस में रख देंगे, हम रख देंगे उसे अपनी एक यूनिक क्लास में रख देंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा
कंप्रेसिंग मंकीज गोरिल्ला गिब्बन इन प्लेस इन क्लास मैमेलिया। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि मंकीज गोरिल्ला और गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास ऑफ मैमेलिया, मैमेलिया में रख दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैमेलिया को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैमेलिया हमारे कहाँ आता है? मैमेलिया हमारे आता है फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था क्लास नाइन्थ में, याद है आपको, क्लास नाइन्थ में हमने क्लासिफिकेशन किया था एनिमल का, बिल्कुल क्लास नाइन्थ में चैप्टर सेवन्थ में हमने देखा था जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म था, वहां भी एक चैप्टर आया था जिसमें हमने देखा था कि एनिमल किंगडम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला जो हमारे पास था, जो हमारे पास आया था नॉन कॉर्डेट का फाइलम। ठीक है, एनिमल किंगडम को हमने दो फाइलम में डिवाइड किया था, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। नॉन कॉर्डेट्स कौन से थे डियर स्टूडेंट्स? नॉन कॉर्डेट्स याद करिए, क्लास सेवेंथ का है ये, नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के हमारे पास नौ फाइलम आए थे पूरे, याद है आपको, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेथी हेलमेंटीज, एसके हेलमेंटीज और एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ये सारे नौ फाइलम हमारे नॉन कॉर्डेटा से रिलेटेड थे। और हमारे पास जब हम बात करते हैं कॉर्डेटा की, कॉर्डेटा की, तो हमारे पास कुछ पांच आए थे, आपको याद होंगे, पिसीज, पिसीज के बाद आए थे एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद आए थे रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स के बाद आए थे एवीज, और लास्ट में हमारे पास आया था मैमल्स, याद आया कुछ? हम बिल्कुल, मैमल्स में हमने देखा था मैमल्स का यूनिक जो कैरेक्टर होता है मैमल्स का, मैमली ग्रैंड प्रेजेंट होती है। अच्छा, मैमल के एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है, हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस, है ना, हेयर्स प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। सो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिससे मैमल्स को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ कहा देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और प्राइमेटा कंप्राइज मंकीज गोरिल्ला गिब्बन इन प्लेस इन क्लास मैमेलिया, मैमेलिया में इंक्लूड किया है, मैमेली ग्लैंड है। ठीक है, इसके बाद अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा को भी मैमल्स में इंक्लूड किया है। क्यों किया है भाई? क्योंकि उनमें सिमिलर कैरेक्टर है, मैमेली ग्लैंड प्रेजेंट है डॉग कैट में, है ना, बिल्कुल। सो इस टाइप से हम कह सकते हैं लाइक टाइगर कैट डॉग, ये देखिए आ गया एग्जाम्पल। ठीक है, सो मैमेली ग्लैंड प्रेजेंट है और ये डायफ्राम है। इस टाइप से फाइलम की बात करते हैं हम, ये जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का तो किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम आता है। ये देखिए क्लासिफिकेशन हायरार्की आप देख रहे हैं, सबसे नीचे हमने स्पीशीज को देखा, फिर हमने देखा स्पीशीज के बाद, फिर हमने देखा था स्पीशीज के बाद हमने देखा था कि जीनस आता है हमारे पास, फैमिली आती है, ऑर्डर आता है, क्लास आता है। अगर एनिमल है तो हम फाइलम वर्ड का यूज करेंगे, और प्लांट है तो हम डिविजन वर्ड का यूज करेंगे, और हमारे पास हाइएस्ट जो आता है वो किंगडम आता है। ठीक है, और किंगडम को हम आगे जाके डिवाइड कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे वीही टेकर ने क्लासिफिकेशन किया था, क्लास नाइन्थ में आया था हमारे पास, बिल्कुल वीही टेकर ने कहा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, फाइव किंगडम दिया था, याद है आप सबको? बिल्कुल याद है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन हायरार्की, ये क्लासिफिकेशन हायरार्की, इसी सिक्वेंस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फाइलम क्लासेस कंप्राइज एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग मैमल्स, ये सारे कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं। सो कॉर्डेटा में तीन कैरेक्टर्स आपको याद हैं, बिल्कुल याद है, नोटोकॉर्ड, नरकॉर्ड, गिल्सलिट्स। अगर ये तीन कैरेक्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज और अडल्ट स्टेज किसी में भी प्रेजेंट हैं तो वो क्या थे? कॉर्डेट्स थे, बिल्कुल आपको याद है। नॉन कॉर्डेट्स में क्या आएगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज और अडल्ट स्टेज, किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड, नरकॉर्ड, गिल्सलेट्स नहीं थे। हिंदी में हम बात करें तो पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका रज्जु, ग्रसनीय क्लोम दरारे नहीं थी, तो नॉन कॉर्डेट हो गए और कॉर्डेट हमारे पास ये हो गए। ठीक है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स हम डिस्कस करते हैं। फिशेज, फिशेज में आ गया, ठीक है, वीनस हार्ट होता है। ठीक है, और इसमें आप पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, कॉर्डल फिन, जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो एक फिश का देखेंगे कि किस टाइप से फिशेस को डिवाइड करते हैं, कॉन्ड्रिक्टीज में, ऑस्ट्रिक्टीज में। ठीक है, कॉन्ड्रिक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज, यानी उनका उनका जो बोन है किसका बना है? अस्थियों का या उपास्थियों का, कार्टिलेज का या बोन्स का है, तो वही हम क्लास 11th में स्टडी करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी स्टडी होने वाली है। एम्फीबियंस, बिल्कुल दे आर अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक लाइफ। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग को हम देखते हैं, बिल्कुल फ्रॉग को हम देखते हैं, फ्रॉग के साथ साथ सेलामेंडर भी है। ठीक है,
और हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल हैं, वो सारे रेप्टाइल्स में आते हैं। इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है रेप्टाइल्स में, आ जाता है इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट क्रोकोडाइल में प्रेजेंट है। सो ये सब हम देखते हैं। फिर हम बर्ड्स में देखते हैं, बर्ड्स में फेदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और फोर लिम जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, विंग्स में। ओके, अलोंग मैमल्स, अभी अभी हमने मैमल्स के डिस्कस किया था, तो ये फाइलम को इस टाइप से हम कॉर्डेटा का यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स को भी इस टाइप से डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स। अब इनमें कुछ फीचर्स कॉमन थे तभी तो इनको फाइलम कहा गया। अब देखिए एम्फीबिया को जरा हम देखते हैं। एम्फीबिया को जब आगे फर्दर डिवाइड किया गया तो उनमें देखा एपोडा था, एन्यूरा था, यूरोडेला था, क्लास 11th में ये देखेंगे। तो इनमें देखा था कि जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं वो इक्वाटिक लाइफ में भी हैं और टेरेस्ट्रियल लाइफ, दोनों में अपना जो लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं सर्वाइव कर रहे हैं, या ठीक है अडेप्टेड है, ठीक है, एपोडा, एन्यूरा, यूरोडेला, ठीक है। सो उनमें कॉमन कैरेक्टर था तो उन सबको किस में रख दिया, फाइलम एम्फीबिया में रख दिया। रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में जो हम कह सकते हैं कि क्रोकोडाइल है, लिजर्ड्स है, स्नेक्स हैं, ठीक है, टर्टल्स हैं, तो इन सबको एक एक इनमें कॉमन कैरेक्टर था, उस बेस को हमने जितने भी इनमें आए एनिमल्स उन सबको हमने रेप्टाइल्स में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, इनमें कुछ कॉमन फीचर हैं वो बात आ गई, बिल्कुल नॉटोकॉर्ड हमने डिस्कस किया था, कॉर्डेटा के तीन जनरल कैरेक्टर, नॉटोकॉर्ड, नरकॉर्ड, गिल स्लेट्स, ठीक है, पृष्ठ रज्जु जो आगे जाके वर्टिबल कॉलम में चेंज हो जाती है, डॉर्सल होलो ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और आगे जाके फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हमने आगे एक और फीचर था हमारे पास, फेलेंजियल गिल स्लेट्स जो लंग्स में आगे कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉर्डेटा के कैरेक्टर थे। यानी जितने भी एनिमल्स में अगर ये तीन कैरेक्टर आ गए तो हमने उनको कहां शिफ्ट कर दिया, कॉर्डेट्स में शिफ्ट कर दिया। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू हायर कैटेगरी। अब प्लांट में हम फाइलम वर्ड ना यूज लेकर हम क्या वर्ड यूज लेंगे, डिविजन यूज लेंगे, क्या यूज लेंगे, डिविजन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किंगडम की, जो हाईएस्ट जो टैक्सा है हमारे पास, ऑल एनिमल्स इंक्लूड टू वेरियस फाइला असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। यानी हम अगर एनिमल है तो एनिमल किंगडम में कह दिया हमने, प्लांट्स है तो हमने क्या कह दिया, प्लांट किंगडम में, ठीक है। इसी के टाइप से क्लासिफिकेशन सिस्टम एनिमल्स, द किंगडम प्लांटी ऑन अदर हैंड This thing compress all plants various division. अब plants और animals में भी तो हमने different देखा था, plant cell में, animal cell में, class 7th में, 9th में, ठीक है, 8th में, plant cell में हमने देखा था cell wall थी, animal cell में थी क्या cell wall, नहीं, तो plant cell में cell wall थी, animal cell में cell wall नहीं थी, plant cell में chloroplast था, animal cell में chloroplast नहीं था, प्लांट सेल में वैक्यूल्स रिक्तिकाएं थी, एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट थी। सो हमने ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं, ये कुछ कॉमन कैरेक्टर है, इन्हीं के बेस पे तो हम एनिमल और प्लांट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये एनिमल है और ये प्लांट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है तो प्लांट है, इसी टाइप से सेल वॉल है तो प्लांट है, और एब्सेंट है तो वो एनिमल्स है, ठीक है। द किंगडम प्लांटी द अदर हैंड डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स वेरियस डिविजन। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की, जो हमारे पास एग्जांपल है मैन, मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, यस यस यस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो डिनोट्स टू द रेफर्स टू द दैट जीनस, सेपियंस मींस द स्पीशीज, ये देखिए जीनस है होमो, इसकी फैमिली है होमोनिडी, ऑर्डर इसका प्राइमेटा। अच्छा, प्राइमेटा ऑर्डर्स में हमने देखा था गिब्बन, गोरिल्ला, इनको भी इंक्लूड किया था। मैमेलिया, मैमेलिया में क्यों शिफ्ट किया है, क्योंकि डायफ्राम है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, हेयर, हेयर्स आर प्रेजेंट, मैमेलिक ग्लैंड है, सो हमने मैन को किस में कर दिया, क्लास इसकी मैमेलिया में, और इसका जो फाइलम आएगा कॉर्डेटा। अब बताइए डिवीजन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो एनिमल है ना, ठीक है, एनिमल्स के लिए हम क्या करते हैं, फाइलम वर्ड यूज लेते हैं। नेक्स्ट, सेकंड इज हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, मस्का इज द जीनस, मस्किडी इज द फैमिली डिप्टेरा, यहाँ इसका जो ऑर्डर है डिप्टेरा, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, इसमें क्या होता है, पंख होते हैं।
आपने देखा होगा जो बॉडी है उसके दोनों तरफ पंख है, ठीक है। मक्खी आपने देखी है, वास्प, ततैया, बटरफ्लाइज, ये सारे डिप्टेरा ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। इंसेक्टा द हाइएस्ट क्लास, लार्जेस्ट क्लास इन अवर वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जितने भी आप एनिमल्स देख रहे हैं, सबसे ज्यादा इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, हनी बीज हैं, सो ये सारे इंसेक्टा क्लास में आ रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो फाइलम आएगा वो आएगा ऑर्थ्रोपोडा, जो नॉन कॉर्डेट का फाइलम है, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा मीन्स जॉइंट अपेंडिजेस आर प्रेजेंट, संधित उपांग है इनके। एंड द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। दिस इज अवर थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी, है ना, एंड डिवाइडेड बाय द एंड सेपरेटेड बाय द डायफ्राम, है ना। ऐसे आप जब कॉकरोच को देखते हो तो हेड होता है, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है और लार्जेस्ट क्लास हमारे पास इंसेक्ट है। मैंगो, आम, मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा रेफर्स टू द जीनस, फैमिली इज एनाकार्डियेसी, ऑर्डर इज स्पेंडिल्स, डाइकॉटलीडियंस, ठीक है। मीन्स टू कॉटलीडियंस आर प्रेजेंट, बीच पत्र दो हैं, ठीक है। जैसे आप पाइसम सेटाइव मटर को देख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप मूंगफली वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। मैंगो को देख सकते हैं, उनका जो सीड होता है टू पार्ट से कंबाइंड होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स, सीड इज कवर्ड बाय द सीड कोट, सीड इज कवर्ड बाय द सीड कोट। जो बीज होता है वो बीज के आवरण से घिरा हुआ रहता है, जैसे आम है। ये जितने भी फ्रूट्स आप देख रहे हैं जिसमें सीड है, सीड के अराउंड सीड कोट प्रेजेंट है। मोस्टली हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं, सो जिम्नोस्पर्म्स भी तो हैं, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, साइकस, पाइनस, एफ्रिडा, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स थे, साइकस, पाइनस, एफ्रिडा, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म्स में हम देखते हैं कि उनके सीड के अराउंड सीड कोट नहीं होता है ना, बीज के चारों तरफ बीज का आवरण नहीं है, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट वीट हमारा गेहूं, ट्रिट्रिकम एस्टाइवम, ये हमारा बायोलॉजिकल नेम है गेहूं का। ट्रिट्रिकम इसका जीनस है, पोएसी इसकी फैमिली है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पोएसी का बहुत ज्यादा है, ठीक है। जितने भी वीट है, मेज है, राइस है, सोरगम है, यानी हम कह सकते हैं गेहूं, जौ, चावल, मक्का, सारे पोएसी फैमिली के हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो गाय हैं, जो जानवर हैं, वो उनके लिए खाने के लिए, ठीक है, जो फूड उनका बनता है इन्हीं इसी फैमिली के मेंबर्स से बनता है, ठीक है। पोएल्स ऑर्डर है, मोनोकॉटलीडियन है, ठीक है, एक बीज पत्री है, मोनोकॉट है, ठीक है। जैसे आप गेहूं को देख सकते हो, चावल को देख सकते हो, जौ को देख सकते हो, एक बीज पत्री, मोनोकॉटलीडियन, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायकॉट मीन्स आप देख सकते हैं पाइसम सेटाइव मटर को, चने को, उनका जो बीज पत्र है कॉटलीडियंस है, दो पार्ट्स में डिवाइड है ना, दो से मिलकर बना है। एंजियोस्पर्म्स अगेन, ठीक है। सो अभी हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था, नेक्स्ट स्लाइड हमारी कुछ कह रही है टैक्सोनॉमिक एड्स। अब ऐसा है कि आप क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी प्लांट की डिस्कवरी करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, उसको फॉरेस्ट में देखने जा रहे हैं, और आपको कुछ नया प्लांट दिख गया तो या कुछ एनिमल दिख गया, तो आप क्या करेंगे, अपने साथ कुछ ना कुछ टूल्स लेके जाएंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, टूल्स ऑफ प्लांट्स कलेक्शन, ठीक है। आपके पास डिगर होना चाहिए, खुरपी होनी चाहिए, ठीक है। वेस्कुलम होना चाहिए जिसके अंदर आप लेके आ सकते हो, प्लांट ट्रेस में डिहाइड्रेट किया जाता है। हर्बेरियम शीट्स होती है, हर्बेरियम शीट की साइज भी कई बार पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हो, जिनकी हेल्प से आप स्टडी करने जाते हैं। आपको कोई प्लांट पार्ट दिख गया, आप उसको लेके आते हैं, इसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं। तो अभी हम आगे बात करेंगे हर्बेरियम की, ठीक है। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स। आपने कहीं प्लांट को, आपने किसी प्लांट को देखा है, आप कहीं जंगल में या फॉरेस्ट में कहीं भी गए, आपको कोई न्यू स्पीशीज का कोई प्लांट दिखा है, आप उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उसको ड्राई करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व शीट पे करेंगे, वो शीट कहलाती है हर्बेरियम शीट, ठीक है। 11.5 by 16.5, है ना, ये हर्बेरियम शीट की साइज है। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन।
अब इसमें क्या होता है, जब आप उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, उस प्लांट को लिखते हैं, सपोज ये प्लांट की आपको पार्ट मिला है, अब इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, अब इसमें आप लिखेंगे डेट ऑफ कलेक्शन, यानी किस दिन आपको ये मिला, ठीक है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ पे ये आपको मिला, ठीक है, यानी आपका भी नाम आएगा इसमें, प्लांट का भी नाम आएगा, प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स भी आएंगे कि ये जो यूनिक कैरेक्टर है जिससे आपने इसको क्लासिफाई किया है, और वही हायरार्की सिस्टम आप इसमें अप्लाई करेंगे। दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, ये देखिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है हर्बेरियम शीट पे, बिकम अ स्टोर हाउस, ठीक है, उस हाउस में आप उन सारी हर्बेरियम शीट्स को अरेंज कर देंगे, आप डेट लिखेंगे, आप प्लेस लिखेंगे, कलेक्शन लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपना इसका प्लांट का बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, और ये सारे शीट्स में आप क्या कर देंगे, अरेंज करके और इनको सबमिट कर देंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसकी साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। नाउ बॉटनिकल गार्डन्स, अब आपने देखा होगा कि कई जगह कॉलेज, स्कूल या कहीं पे आपने देखा होगा बॉटनिकल गार्डन्स बना दिए जाते हैं, जहां पे क्या किया जा सकता है, प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लांट की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बॉटनिकल गार्डन जो है आप कॉलेज में या कहीं इंस्टीट्यूट पे यहाँ या किसी सिटी में आप जाकर इजीली देख सकते हैं, वहां आप डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देख सकते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट और हायर प्लांट्स भी आप देख सकते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक है, लिविंग प्लांट्स का क्या है, कलेक्शन है, प्लांट स्पीशीज इन दियर गार्डन आर ग्रोन आइडेंटिफिकेशन पर्पस, है ना, आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से है कि आप पहचान तो सको डाइकॉट है, मोनोकॉट है या कौन से डिवीजन का है, ठीक है। ईच प्लांट इज लेबलिंग, लेबल किया जाता है उनके ऊपर, उनका बॉटनिकल नेम लिखा जाता है, जीनस लिखा जाता है, स्पीशीज लिखा जाता है, ठीक है, फैमिली लिखी जाती है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन है क्यू बॉटनिकल गार्डन जो है इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा इंडिया में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, तो ये बॉटनिकल गार्डन है और आपको अपने आसपास भी दिख जाएंगे जहां आपको बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स दिखेंगे और उनके आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस से है, वहां आप क्या कर सकते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, सिस्टमैटिक उनकी स्टडी कर सकते हैं। म्यूजियम्स, अगेन म्यूजियम में क्या होगा, म्यूजियम आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जनरली जो बायोलैब होती है कई बार उसमें म्यूजियम भी आप देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेंस हैं, उन स्पेसिमेन को स्पेसिफिक किसमें, केमिकल में रखा जाता है, उन केमिकल्स को हम कहते हैं फॉर्मेलिन, उन फॉर्मेलिन में रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व रहे, ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, ठीक है। डिफरेंट काइंड के म्यूजियम है, कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, है ना। अब आप इसमें देखते हैं कि कांच के जो जार में या डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास होते हैं ग्लासेस जार, उनके अंदर हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर फॉर्मेलिन डाल के एनिमल को डाल दिया जाता है, फिशेस को डाल दिया जाता है, रेप्टाइल्स को डाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो बहुत लंबे समय तक हमारे पास प्रिजर्व रह जाते हैं। सो हम स्कूल्स में भी इसकी स्टडी करते हैं, लैब में, है ना, कॉलेज में भी हम इसकी स्टडी करते हैं। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस, अब इनका ड्राई स्पेसिमेंस भी बना दिया जाता है, जैसे सपोज कैमल है तो उस पूरे कैमल को लाकर, है ना, स्पेसिमेंस तो नहीं बना सकते ना, उसका पूरे कैमल को लाकर उसको फॉर्मेलिन वगैरह ऐसा कुछ प्रोसेस तो नहीं कर सकते, तो उनके मॉडल रख दिए जाते हैं, ठीक है, उनके मॉडल रख दिए जाते हैं, ठीक है, लॉरिस और जितने भी दूसरे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्निथोरिकस आप आगे नाम सुनेंगे, तो वो सारे क्या है कि उनके मॉडल रख दिए जाते हैं, क्योंकि उनको प्रिजर्व करना और फॉर्मेलिन में डालना ये प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी ना, इतने बड़े बड़े एनिमल्स हैं। इंसेक्ट बॉक्स, अब देखिए इंसेक्ट को क्या किया जाता है, इंसेक्ट बॉक्स के अंदर कलेक्शन किया जाता है, इंसेक्ट का कहाँ किया जाता है, इंसेक्ट बॉक्स में किया जाता है। अच्छा, इंसेक्ट बॉक्स में करने से पहले उनकी नार्कोटाइजेशन किया जाता है, यानी उनको अचेत किया जाता है, फिर किलिंग की जाती है, फिर पिनिंग की जाती है, इंसेक्ट का बॉक्स बनता है, उसमें आप बीटल्स को, जितने भी इंसेक्ट होते हैं जो ऑर्थोपोडा के हैं ना, उनको रखा जाता है, ताकि आप इनकी स्टडी कर सके इजीली, आप आइडेंटिफाई कर सके, उनकी स्टडी कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है जूलॉजिकल पार्क। अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप जूलॉजिकल पार्क भी जाते हैं अपने आसपास, आपने देखा होगा कई जगह, आपने नाम सुना होगा माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर, सज्जनगढ़ पार्क जो कि उदयपुर में है, नाहरगढ़ जो जयपुर में है, तो ऐसे पार्क्स होते हैं। इन पार्क में हम क्या करते हैं, इन पार्क के अंदर एनिमल्स होते हैं और वो लिविंग कंडीशन में है, उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको हटा दिया गया है और आर्टिफिशियल हैबिटेट में रख रहे हैं, लेकिन उनको वैसी की वैसी कंडीशंस भी दे रहे हैं,
These are the places where the any wild animals are kept protected environment. अब उनका protection भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि biodiversity का loss हो रहा है, आपको पता है, जो mountains है, जो हमारे forest है, उनका क्या किया जा रहा है, उनकी कमी हो रही है, तो अब हमें ऐसे biological park की need हो गई है, ताकि हम क्या कर सके, हम उनका हम उनको उनकी species को destroy होने से, या हम कह सकते हैं उनकी species को खत्म होने से उनको बचाने के लिए इस टाइप के पार्क बनाए गए हैं, ठीक है। ex-situ conservation आप नाम सुनेंगे, क्या किया जाता है, उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकालकर उनको एक नया हैबिटेट दे रहे हैं, जहां पे उनको उनकी स्टडी भी हो सके, उनको देखा भी जा सके, और उनका उनकी स्पीशीज को बचाया जा सके। ये देखिए नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क है, सज्जनगढ़ पार्क है, ठीक है, तो उनमें ये हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीज। अब ये कीज क्या है? कीज होती है कि एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए टैक्सोनॉमिक कीज होती है, जिनमें कीज के द्वारा आप बताते हैं कि पहचान सकते हैं किसी भी जीव को, क्या कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, सपोज आपके पास की में क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर यस और नो में होता है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, नॉटोकॉर्ड नरकॉर्ड गिल स्लेट्स है, तो आप कहेंगे हाँ, इट मीन्स ये नॉन कॉर्डेटा का तो नहीं है, किसका है, कॉर्डेटा है। इससे पहले का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या इसमें सेल वॉल है या नहीं है, क्या इसमें क्लोरोफिल है या नहीं है, तो आप कहोगे कि इसमें क्लोरोफिल सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब आपने क्या कह दिया, एनिमल किंगडम का है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि एनिमल किंगडम का है। सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या हो गया कि ये क्या इसमें नॉटोकॉर्ड नरकॉर्ड गिल स्लेट्स है, आप कहेंगे है, इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, कॉर्डेट में चला जाएगा, ये नॉन कॉर्डेट का नहीं है। फिर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इसमें टेट्रापोडा है, चार पैर है, चार पाद है, फुट है, तो आप कहेंगे हाँ है, तो आप कहेंगे फिशेस का भी नहीं, ये तो किसका है भाई, एम्फीबिया रेप्टाइल सेविज मैमल का हो सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन कीज में पूछेगा कि क्या इसके अंदर क्या ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए है, यानी जल और स्थल पे रह सकता है, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप कहेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये एम्फीबिया का भी नहीं है, फिर ये किसका हो सकता है, रेप्टिलिया का, बर्ड्स का या मैमल्स का। फिर क्वेश्चन कर देंगे कि क्या इसमें मैमली ग्लैंड है, तो आप कहोगे यस मैमली ग्लैंड है, इसका मतलब ये बर्ड्स का तो नहीं है, रेप्टाइल्स का नहीं, ये कहाँ चला गया, ये चला गया मैमल्स में। उसके बाद फिर और इसके कैरेक्टर्स के बाद आप क्या ये कार्निवोरा का है, तो आप कहोगे हाँ कार्निवोरा का है, ये कार्निवोरा का है, मींस ये आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे लास्ट में जाके कैट की फैमिली में, आप पता चलेगा कि ये कैट फैमिली का एनिमल है। यानी कंट्रास्टिंग इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसका यस और नो में आंसर होता है। की इज द अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, आप इजीली यस नो के द्वारा इस की के द्वारा आंसर कर सकते हैं कि ये प्लांट है एनिमल है, और एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Similarities, dissimilarities, the key are based on the contrasting character, generally a pair called couplet, they are also helping correct identification के लिए जरूरी है, ठीक है। So इस chapter में अभी हमने क्या देखा, ठीक है, living world को, आपने जो जो चीजें class 6 में पढ़ी हैं, जो चीजें आपने class 7 में पढ़ी हैं, 8th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, बस उन्हीं मैटर को आपको इसके अंदर क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लास 11th में वो बेसिक सारी चीजें थी जो कि आपके 6th, 7th, 8th का जो बेस था उसी को आगे बढ़ाया गया। क्या ये आप कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के पहले आपने नहीं सुना, सुना था आपने, क्या आपने एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को नहीं सुना, सुना था आपने, बस वही तो सारे आगे आ रहे हैं। आपने क्या नया पढ़ा, आपने केवल और केवल टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को थोड़ा नया पढ़ा, जो कि आपके क्लास 8, 9, 10 में नहीं था। बाकी सारा क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सारा प्रोसेस क्या था, वो सारा प्रोसेस हमारे पास पहले आ चुका था। ये देखिए बहुत इजी चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, इसको हमने आगे डिस्कस किया, फिर हमने ये देखा कि किस टाइप से इसके कैरेक्टर्स होते हैं, फिर हमने ये डिस्कस किया कि कैरेक्टर्स होने के बाद हमारे पास कैसे, हमने नॉन लिविंग लिविंग को डिस्कस किया, फिर हमने देखा था कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन था, प्रोसेस था। आगे बढ़ के हमने कहाँ तक आ गए थे हमारे पास, ये देखिए हमने ये देख लिया था कि फैमिलीज में बांटा, इसको क्लासिफिकेशन हायरार्की को हमने डिस्कस किया था, ये क्लासिफिकेशन हायरार्की था, इसको हमने डिस्कस किया था।
और बस ये सिंपल इसी टाइप से हमारा चैप्टर फिनिश होगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से प्रोटिस्टा को हम देखेंगे, फाइलम प्रोटिस्टा को हम आगे देखेंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।